हमें तुम्हारी काबिलियत पर नाज है इंद्र सक्सेना। तुम्हारे घर का सुख चैन छीन लेंगे हम लोग, और इसकी शुरुआत हम कर रहे हैं देवा की बाजुओं में तेरी लाश डालकर। इस महीने तनख्वाह मिलेगी ना, सबसे पहले तेरे लिए नए जूते खरीदूंगा। अब मान भी जाया है। गांधी जी पता है कितनी बड़ी हस्ती थे? बड़ा काम करना होगा मुझे इस पेन से? तब तो इसे तू ही रख और तू ही लिख। देवा, ना ना बेटा ना, खुद को संभाल। दुख की ये परछाई तो हर एक की जिंदगी में आती है, इससे कोई नहीं बच सका। तू इसका सामना कर, हिम्मत मत छोड़ बेटा। तेरे साथ जो हुआ है उसका इंसाफ खुदा करेगा। दुश्मनों ने तेरी झोली में तेरे भाई की लाश डालकर ठीक नहीं किया। मैं अंधी हूं मगर उन लोगों का सर्वनाश देख रही हूं। बेटा, जीत तो तेरी ही होनी है। कितने दिन दुखियों की दुआएं हैं तेरे साथ, देख। लेकिन आकाश भैया यहाँ करने क्या आए थे? यही मैं सोच रहा हूँ मनी, आकाश यहाँ इतनी रात गए क्या करने आया था? तुम कहना क्या चाहते हो? लाल भैया, आप पर शनि की महादशा चल रही है, इसलिए मैं इन्हें लेकर आया हूँ। ये है पंडित बद्री नारायण शास्त्री, ज्योतिष विद्या के प्रकांड पंडित।
और शनि देवता पर इन्होंने पीएचडी भी की है। हमारे देश के बड़े बड़े नेता अभिनेता इनका ही दिया हुआ ताबीज गले में लिए घूमते हैं। और तो और हमारे प्रसिद्ध निर्माता गुलशन कुमार जी शनि देवता पर आधारित जो फिल्म बना रहे हैं ना उसकी कहानी भी यही लिख रहे हैं। ओफो लीलाधर तुम अपनी ये बकवास बंद करो। जूता जूता मार लो भैया मेरे को, जूता मार लो, मेरी खाल खिंचवा लो, लेकिन इसे गले में बांध लो। क्या है क्या ये? ये भैया ये देखिए ये उल्लू का नाखून है। उल्लू का नाखून? हाँ, जिसे पंडित जी ने अपने तंत्र मंत्र से बहुत बड़ा शस्त्र बना दिया है। ये आपके गले में ढाल का काम करेगा भैया, इसे आप गले में डाल लीजिए। अरे हटाओ इसे। ओम नमो हनुमान। ओ पंडित जी शट अप। ठीक है गले में मत डालिए, गले में मत डालिए, लेकिन इसे अपनी जेब में डाल लीजिए। ये लीजिए। अबे ठीक है बस अब चिंता की कोई बात नहीं है। और बाकी सब बंदोबस्त हो गया है। बंगले के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल ठुकवा दी है। ऑफिस के चारों ओर चार फूटे गड़वा दिए। काल भैरव का कड़ा पहरा है यहाँ पर। और पंडित जी 21,000 मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमो हनुमन्ते भव भंजनाय। दुश्मन आपके आसपास फटक भी नहीं सकता है। तू जानता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? बता मेरे भाई को किसने मारा है? देखो देवा, मैं तुम्हारे भाई के बारे में कुछ नहीं जानता। जब तक तू नहीं बताएगा तब तक तुझे मारता रहूंगा। बताए